नमस्कार, विस्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचा है। जी हां, पाक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है और फैज के साथ पाक अधिकारियों का दल भी पहुंचा है। तालिबान के आधिकारिक निमंत्रण पर काबुल पहुंचा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। उनके साथ पाकिस्तानी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद है और पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप है। पंजशीर घाटी में भारी लड़ाई के बीच तालिबान जल्द ही नए सरकार के गठन की घोषणा करने वाला है। इसी को लेकर यह बड़ी और अहम खबर देखी जा रही है, जहां पर पाकिस्तान के पत्रकार ने एक कहा है कि हमीद दोनों देशों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए तालिबान के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ काबुल पहुंचे हैं, और इसलिए कि ताकि नई तालिबान सरकार के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों पर चर्चा की जा सके। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने में तालिबान का समर्थन करने का भी लगातार आरोप लगता आया है और आरोप भी लगा है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश सचिव हर्ष वी सिंगला ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी है और अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार हटाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया है। यही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि चुनी हुई अफगान सरकार को सत्ता से हटाने और तालिबान को अफगानिस्तान में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने में पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, कहा गया है कि अलकायदा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो आईएसआई के और अलकायदा के लगभग सभी विदेशी सदस्य जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं और इन संगठनों के नेता पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो आप ये तस्वीरें सामने आई, इसके बाद अब ये तस्वीरें लगातार वायरल भी हो रहा है कि तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल काबुल जा पहुंचा है। बड़ी और अहम खबर, इस प्रतिनिधिमंडल में अधिकारियों के साथ आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद भी शामिल है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के आईएसआई पर तालिबान का समर्थन करने का भी आरोप लगा है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो कि तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर, पाक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जो है काबुल पहुंचा है। हम आपको ये बड़ी इस वक्त की खबर बता रहे हैं। फैज के साथ पाक अधिकारियों का एक दल भी वहां पर पहुंचा है, जो कि वहां के तालिबान का, जो तालिबान के लोगों ने निमंत्रण दिया था, इसके बाद वहां पे आईएसआई के प्रमुख पहुंचे हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि वो बातचीत करेंगे, हालांकि तालिबान पर आरोप लगे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि भारत में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, भारत में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर कि इजरायली नागरिक है उनको निशाना बनाया जा सकता है। आतंकियों के जो है निशाने पर इजरायल नागरिक है और यहूदियों को भी निशाना बनाने की, जो आतंकी है वो फिराक में है। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो है वहां पे अलर्ट मोड पर है और एक बार फिर आतंकी साजिश को लेकर ये अहम अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी एक बार आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी जो है वो इजराइल नागरिकों को अपना निशाना बना सकते हैं। और इस अलर्ट के बाद, जैसे ही अलर्ट
जारी किया गया, तो वैसे ही सारी एजेंसियां जो है वो चौकस हो गई हैं, कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही कोई भी ना होने पाए, इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है और एजेंसियां जो है वो चौकस है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर से जूश होलीडे की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, 6 सितंबर से इसी को लेकर तैयारी चल रही है। 6 सितंबर से जूश होलीडे की शुरुआत हो रही है और ये कई दिनों तक चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में यहूदी इकट्ठा होते हैं, जिसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी इसी साल जनवरी में दिल्ली में जो है इजराइल दूतावास के बाद बेहद ही करीब जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि बड़ा धमाका हुआ था। हालांकि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल नागरिकों को जो आतंकी हैं वो निशाना बना सकते हैं और यहूदियों को भी निशाना बनाने की फिराक में इस वक्त आतंकवादी हैं जो आतंकी हैं। और बता दें कि इनपुट से जो इनपुट मिला है, इनपुट मिलने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, किसी के जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। भारत में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसकी बड़ी और अहम खबर है। जहां पर भारत में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इजरायली नागरिकों को आतंकी जो है वो निशाना बना सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसा इनपुट मिला है कि जो आतंकी हैं वो यहूदियों को भी अपना निशाना बना सकते हैं और निशाना बनाने की वो फिराक में है। इससे पहले जो मैंने आपको तस्वीरें बताई, जिस तरीके से कि इससे पहले भी जनवरी में जो दिल्ली के इजराइल दूतावास के बाहर यानी कि करीब उसके एक बम धमाका हुआ था, हालांकि उस वक्त कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा, जो अभी इस तरीके से लोग अंदाजा लगाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं कि कहीं किसी भी तरह की कोई भी अगर थोड़ी सी भी चूक होगी तो ये जो यहूदियों को निशाना बनाने के आतंकी की फिराक है तो ये उनमें कामयाब हो जाएंगे, इसको लेकर तैयारी जो है जोरों शोरों पर चल रही है। और इजराइल नागरिकों को जो आतंकी निशाना बनाने वाले हैं, इसको लेकर भी अब भारत में आतंकी जैसे ही हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया, वैसे ही आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि सबको वहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न हो, आने जाने वालों पर भी जांच की जा रही है और जो लोग आने जाने वाले हैं उनकी भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर जिस तरीके से बता दें कि दिल्ली में जनवरी में हुआ था कि इजराइल दूतावास के पास बम का धमाका हुआ था, हालांकि उससे कोई फिलहाल नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो आतंकी हैं ये किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं। इसको लेकर आतंकी हमले जो इनपुट खबर सामने आई है, इनपुट मिली है कि आतंकी जो है वो इजरायली नागरिकों को अपना निशाना बनाएंगे, इसी को लेकर अब तैयारी जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना होने पाए। इससे पहले आपको बता दें कि अभी पिछले ही दिनों एक अलर्ट जारी किया गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि लगातार जो है आतंकी निशाना बना रहे हैं, इसी को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है कि किसी भी तरह की आने जाने वाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है कि आखिर इस तरीके से आपको बता दें कि जो देश में एक बार फिर से टेररिस्ट अटैक का अलर्ट जारी किया गया है और निशाने पर जो है वो इजराइल नागरिक है, इजराइल के जो नागरिक है वही निशाने पर है आतंकियों के, इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरह से पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और सुरक्षा एजेंसियों का ये पहले भी जब अलर्ट जारी किया गया था तो सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि किसी भी तरह की जो भी दिक्कतें होंगी वो सामने नहीं आने देंगे। और अब जो है हम आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को देखते हुए आपको बता दें कि जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, हर तरफ तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना आने पाए, सुरक्षा इतना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी न हो जाए, इसको लेकर
आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो इसको लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो 6 सितंबर में हॉलीडे होने की शुरुआत हुई है इसी को लेकर जो आतंकी हैं वो लगातार ये उनका ये प्लान है कि इस बीच जो है इजराइल नागरिक आएंगे और यहूदियों को भी उस वक्त आतंकी निशाना बनाएंगे, लेकिन उनके इन सब मामलों को लेकर पानी फिर जाएगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हालांकि भारत में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी न हो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी तैनाती की गई, सुरक्षा व्यवस्था भी का बंदोबस्त जो है वो किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए विस्टार न्यूज़, दिस इज़ आज़ाद, नमस्कार।